मेरा नाम एकता है, एकता गुप्ता। हम सुपरटेक एमराल्ड फोर्ट में रहते हैं एज ए टेनेंट। हमने ट्विन टावर में अपना एपेक्स में घर बुक किया हुआ था 2011 में, और 2014 में वो हमको मिलना था। तो हम तो किस्तें भी भर रहे थे और रेंट पे भी रह रहे थे। फाइनली पता चला ये तो गिरेगा, पर फिर भी उम्मीद रही नहीं गिरेगा, हमें घर मिल जाएगा या पैसा मिलेगा। और केस भी जीत गए सुप्रीम कोर्ट जाके, लेकिन ना पैसा मिला ना घर मिला, तो हम तो बिल्कुल बिल्कुल खाली हाथ रह गए। तो शायद आप लोग के जरिए हमारी आवाज़ मोदी योगी तक पहुंचे और हमारे लिए कुछ हो पाए, तो आपका बड़ा धन्यवाद होगा। डिफॉल्टर वाली बात जो आप कह रही थी, जो आप डिफॉल्टर होने की बात कह रही थी, मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था जो, तो हमने 2017 तक तो किस्तें भरी बैंक की, फिर हमने किस्तें बंद कर दी तो उन्होंने हमें डिफॉल्टर बना दिया। तो अब हम ना घर खरीद सकते हैं क्योंकि बिना लोन के तो मिडिल क्लास ले नहीं सकता जी, और अभी बच्चों को पढ़ाना है उनके लिए भी लोन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे तो पैन कार्ड पे एज ए डिफॉल्टर हम बन चुके हैं। तो ये अगर कुछ हो पाया, पैसा वापस मिला तो हम बैंक को चुकाएं, पर हम किस बात का पैसा चुका रहे हैं ये भी नहीं पता हमें। जो घर ही नहीं है उसके लिए हम लोन भी भर रहे हैं, हमने ब्याज भी भरा और पैसा भी चुका रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल फिस गए ना सैंडविच बन के। थैंक यू। तो कोई जीता कोई हारा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो नुकसान में ही हैं।